दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज 8 मार्च 2023 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बावलपुर रेलवे स्टेशन। और ये देख सकते हैं, ये पूरा बावलपुर रेलवे स्टेशन है। ये देख सकते हैं, और आज मैं बावलपुर की हिस्ट्री और जो जो ट्रेन आती हैं उनकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा फिर। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा बावलपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं और यहाँ पे पार्किंग की आप फीस भी पे कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर और प्लेटफॉर्म की टिकट भी लेते हैं, और उसके बाद हम आपको स्टेशन की आपको मालूमात दिखाऊंगा और कौन कौन सी यहाँ पर ट्रेन रुकती हैं वो उनको आपको बताऊंगा मैं। चले प्लेटफॉर्म के अंदर चलते हैं और वहीं से बनाते हैं, लेट्स गो। तो मैंने प्लेटफॉर्म की टिकट ले ली है, ये देख सकते हैं, ये मुझे पड़ी है 20 रुपये की, और ये 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और नीचे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है प्लेटफॉर्म के, बड़ा ही ज़बरदस्त बना दिया है लोगों ने। और आप लोग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं। चलते हैं नीचे, ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे चल के। ये बावलपुर का अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, खाना जो खाना पीना है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है और ये देख सकते हैं, अल्लाह के नाम भी लिखे हुए हैं और मोहम्मद के नाम लिखे हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए। और मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ये दोस्तों रेस्टोरेंट अंदर से, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से सजा के रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये पानी की बोतलें और टेबलें रखी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं, यानी कि चिप्स और लेस वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा, और कोई भी वो नहीं है, बस लेस रखी हुई यहाँ पे, ये देख सकते हैं। एक इधर बनाया हुआ है और एक अंदर, और दो इधर बनाए हुए बाहर की तरफ और दो अंदर की तरफ बनाए हुए। और आपको कुछ भी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे आ सकें, आराम से कुछ खाना पीना कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, जो जो आपको चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे।
बड़ा ही खूबसूरत की तरह सजाया हुआ है माशाल्लाह। स्टेशन काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। यहाँ पे नेशनल आइटम बने हुए हैं, आप कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बड़े ही खूबसूरत से सजा के रखा हुआ है। और ये पानी की बोतलें और ये हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। और कैसा लगा रेस्टोरेंट? VIP लगा है। और खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे कुछ बता सकते हैं? अच्छा, ये देख सकते हैं सारा सब कुछ बना हुआ है। चलते हैं ऊपर की तरफ। और अभी अलामा इकबाल का टाइम हो चुका है और आपको दिखाता हूँ मैं, अलामा इकबाल एक्सप्रेस आने वाली है जो कि सियालकोट से निकली है और कराची उसकी मंजिल है। चलते हैं और देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है अलामा इकबाल पे। दोस्तों अंदर जाने का रास्ता, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से चलें अंदर चलते हैं और आपको अंदर से बनाते दिखाता हूँ कैसा लगता है। ये दोस्तों अंदर से बहावलपुर रेलवे स्टेशन। और ये देख सकते हैं यहाँ से एग्ज़िट पड़ता है, यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हैं और वहाँ से आप अंदर की तरफ आ सकते हैं। एग्ज़िट और एंट्रेंस यहीं से है। पहले ये खुदा और मोहब्बत के नाम से जो ड्रामा बना था तभी ये बनाया हुआ था और उसके बाद से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया है और ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने के सारे रेस्टोरेंट बने पड़े हैं और ये यहाँ पे कुछ बने पड़े हैं, तीन यहाँ पे लगे पड़े हैं और दो यहाँ पे लगे पड़े हैं, बल्कि चार यहाँ पे लगे पड़े हैं। आगे आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये सामने लगे पड़े हैं, जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है वहाँ पे स्टॉल लगे पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेशन है, ज़बरदस्त स्टेशन बनाया हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत से बना के रखा हुआ है। ये है दोस्तों बहावलपुर रेलवे स्टेशन, जो कि एंट्रेंस और एग्ज़िट यहीं से होती है और सारा स्टॉल लगा पड़ा है। जो भी आपको कुछ खाना पीना हो आप यहाँ से ले सकते हैं और ये सारा स्टॉल लगा पड़ा है। कुछ भी आपको खाना पीना है तो प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ, आपको ताज़ा और बना पड़ा खाना मिल जाएगा। और बाकी अप साइड पे वो तीन स्टॉल लगे पड़े हैं, एक तो अभी बंद पड़ा हुआ है, दो स्टॉल खुले पड़े हैं। ये दोस्तों अप प्लेटफॉर्म, जो कि सारी जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं अप साइड से, जो कि कराची से जो आती हैं गाड़ियाँ वो सारी यहीं पे रुकती हैं और जो लाहौर कोटा जाने वाली और जो ट्रेन्स हैं वो सब यहीं पे रुकती हैं। डाउन की ट्रेनें जो कि लाहौर और इस्लामाबाद पेशावर जितनी भी ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर आके रुकती हैं, देख सकते हैं।
ये देख सकते हैं सब खाना पीना है यहाँ पे, आपको कुछ भी खाना पीना हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे आए और आपको ताज़ा तरीन आपको खाना मिल जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गरम गरम आपको खाना मिल सकता है, गरम गरम आपको बना के दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? सिर्फ 200 रुपये आपको दे रहे हैं, 200 रुपये पाओ। ये देख सकते हैं कबाब भी पड़े हुए हैं, पकौड़े भी पड़े हुए हैं और तले हुए नान भी हैं, तले हुए नान भी हैं। ये देख सकते हैं पंजाब की तो बात ही अलग है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये नान आप निकालने लगे और बनाएंगे आप इसको। अंदर बढ़ेगा सोचा बड़ा ढकन लगाएंगे। एयरपोर्ट से आकर कराची तक जाने के लिए स्टैंड डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। एयरपोर्ट से आकर कराची तक जाने के लिए स्टैंड डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो दोस्तों सियालकोट से आने वाली कराची जाने वाली जो कि 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है, आई थिंक 5 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है जो कि सियालकोट से निकली है और कराची इसकी मंजिल है। मेरे ख्याल से GU40 लगा हुआ है, GU40 90। तो दोस्तों 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है भागलपुर रेलवे स्टेशन जो कि कराची की तरफ जाती है, सियालकोट से निकली है और कराची इसकी मंजिल है। ये देख सकते हैं लोग कैसे सवार हो रहे हैं, कोई किसी को परवाह ही नहीं है। पाँच मिनट का स्टॉप था और उसके बाद डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है जो कि रावलपिंडी से निकली है और कराची इसकी मंजिल है। आपको लाइट्स आपको दिख रही होंगी, GU40 लगाव पड़ा है, ये देख सकते हैं। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं GU40 की लाइट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। आपको लाइट्स आपको दिख गई होंगी, बेल भी बजती हुई आ रही है। ये दोस्तों 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस लीड कर रहा है GU40 9042 लीडिंग।
ये दोस्तों 46 राउंड पाकिस्तान एक्सप्रेस जो लोकोमोटिव फ्लीट कर रहा है G49042 जो कि खाने वाले से लेके आया और अब ये कराची तक लेके जाएगा। 5 मिनट का स्टॉप था। तो दोस्तों 46 राउंड पाकिस्तान एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन और 5 मिनट का स्टॉप था और अब G40 लेके जाएगा कराची तक। थैंक यू। तो दोस्तों ये है बहावलपुर रेलवे स्टेशन, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी है, कोई गंदगी भी नहीं है। देखते हैं ये साफ़ सुथरा मेन बिल्डिंग जो कि बहावलपुर रेलवे स्टेशन की है, ये देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली है ये मेन लाइन और ये है लूप लाइन, ये अपसाइड की है जो कि सीधा जाती है नोद्रा खानेवाल लाहौर और रावपिंडी वाले रास्ते पे, और ये रास्ता जाता है सीधा कराची की तरफ यहाँ से, और अपसाइड से आ रही है कोई ट्रेन, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। अभी इस टाइम कोई ट्रेन आने और जाने का कोई भी टाइम नहीं है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है, लेट्स सी। आई थिंक ये फ्रेट ट्रेन है, अगर ये फ्रेट हुई तो आपने 10 लाइक्स इसमें देने हैं और अगर लाइट पावर हुआ तो आपने 15 लाइक्स देने हैं आपने, देखते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे ख्याल से LNC या फिर GMU है, आवाज़ बिल्कुल वही है, NLC लोकोमोटिव।
बड़ा ही ज़बरदस्त पास हुआ है। ये है दोस्तों अब कंटेनर ट्रेन जो कि NLC लोकोमोटिव लीड कर रहा था, 8 डाउन तेजगांव एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है प्लेटफॉर्म पर, एक पैर बहावलपुर रेलवे स्टेशन। GU40 लगाओ पड़े, GU40 9025 एक बार हमें भी लेके गया था 33F से, आपको याद होगा। एक डाउन तेजगांव एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन जो कि 5 मिनट का स्टॉप था, और अब डिपार्ट कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन। GU40 9025 जो कि कराची तक लेके जाएगा। लाहौर से लेके आया है और कराची तक लेके जाएगा। और मैं इस वक्त आ गया हूँ लहलो क्रॉसिंग पर, ये देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं, कार्स एंड बाइक्स सारी रुकी पड़ी हैं। ये देख सकते हैं सब लोग रुके पड़े हैं। एट डाउन तेजगांव एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन जो कि GU40 9025 लगा पड़ा है कराची शट का। रावलपिंडी से निकली है और कराची इसकी मंजिल है। दिखाते हैं आपको लेवल क्रॉसिंग, GU40 ज़रा सा भी परवाह नहीं है लोगों को, ज़रा सा भी स्टॉप नहीं है। अरे दोस्तों 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस जो के डिपार्ट कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन, और
ये जा रही है दोस्तों कराची, कराची कैंट की तरफ जा रही है। और 5 मिनट का स्टॉप था 18 डाउन का, और अब डिपार्ट कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन। आज तो काफ़ी सारे G40 मिल रहे हैं। तो दोस्तों 18 डाउन मिले तो एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है बहावलपुर रेलवे स्टेशन। लाला मुझसे निकली है और कराची इसकी मंजिल है। G40 लगा हुआ है आज मिले तो एक्सप्रेस पे, वरना तो ZCU-30 लीड कर रहा था। ये दोस्तों 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस G40 के साथ, नंबर देखते हैं इसका। इसका नंबर है 049054। तो यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा। मैं इंशाल्लाह परसों सुबह मिलूँगा, और यानी कि 10 मार्च को मिलूँगा मैं, और सुबह सुबह मैं व्लॉगिंग करूँगा और दिखाऊँगा सुबह कैसा मंजर आता है। खैर अब तक यही था व्लॉग, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।